Hello students, welcome to Preprize online classes. First of all, happy Navratra students. आप कैसे हैं? और wish you a very happy Navratra और hope कि आपका भगवान करे या माता रानी करे कि आपका पटवारी का पेपर क्लियर हो जाए. तो आज का जो टॉपिक है वो है टेस्ट सीरीज ऑफ हिस्ट्री कि इतिहास से रिलेटेड आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई हूँ. हाँ, इससे पहले थैंक यू सो मच कि कई जगह पे जो आपने मुझे मिस्टेक्स बताई हैं उनको ओवरकम करने के लिए थैंक यू कि आप मेरे साथ कॉपरेट कर रहे हैं. और जहाँ जहाँ मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की मैम यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प कर रहे हो और उसके लिए मैं सही में कह रही हूँ थैंक यू सो मच. और हो सकता है कि कई बार आपको गुस्सा भी आता होगा कि भाई हम मैम कैसे करवा रहे हैं, तो इट्स नॉट ए, कई बार स्लिप ऑफ टंग भी होता है, कई बार माइंड में ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज बट हार्टली थैंक यू कि कई बार आप मेरी मिस्टेक्स को ओवरकम करते हो. तो आज जो टॉपिक है वो है आपका टेस्ट सीरीज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड. तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये टेस्ट सीरीज़ हैं, हो सकता है डेट्स वगैरह मैं आपको क्रॉस चेक करके बता दूंगी. पहला क्वेश्चन देखिए, लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज़, कि जो आपका मोहनजोदड़ो का स्थाई नाम क्या था. ऑप्शंस आपके आगे हैं, मोल्ड ऑफ द लिविंग, मोल्ड ऑफ द ट्री, मोल्ड ऑफ द डेड एंड मोल्ड ऑफ द सर्वाइवर. ये आपके पास ऑप्शंस है. स्टूडेंट्स आपका टाइम शुरू होता है, ओनली 5 सेकेंड्स, आप मुझे आंसर दीजिए प्लीज़. मोल्ड होता है टीला, पहली चीज़ क्लियर कर दूँ, तो मोल्ड का मतलब है टीला, टीला जीवित का, टीला पेड़ का, टीला मृतकों का, या टीला फॉर सर्वाइवर चलने के लिए. सो राइट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन इज स्टॉप, राइट ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट ऑप्शन, मोल्ड ऑफ डेड. नेक्स्ट देखते हैं, हु वर द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्यास इन मगध. मगध साम्राज्य के जो मौर्यास थे उनके बाद कौन सा, किसने शासन किया था, वो है इसका कि मगध में मौर्यों के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे. मगध में जो मौर्यांस की डायनेस्टी को ख़त्म करने के बाद कौन आए थे. तो पहली चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मौर्यांस का पीरियड कब शुरू हुआ था. ये शुरू हुआ था 322 से 185 BC तक, ठीक है. हु इज़ द फाउंडर ऑफ आपके मौर्यास, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य थे. सेकेंड इसमें एक और चीज़ देखें, इसके गाइडेंस किन्होंने किया था, कौटिल्य ने, इनके गुरु थे. दूसरा, इनका पीरियड कब शुरू होता है, ये शुरू होता है 322 से 298 तक, ठीक है, आप ये याद कर लीजिए. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए थे हमारे, बिंदुसारा. इनका पीरियड कब शुरू हुआ था, 298 से लेकर 273 BC तक. बिंदुसारा के बाद जो मोस्ट पावरफुल रूलर था वो कौन था, अशोका, जिसका 273, पर एक्चुअली में ये कब बैठे थे, 269 से 232 BC तक. क्लियर कर देती हूँ, 273 से ये, लेकिन इन्होंने अपने भाइयों को मार के, एक्चुअली में इन्होंने जो राज्य का उत्तराधिकारी जब बने थे तो वो कब बने थे, 269 में. और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थी वो 261 इज द कलिंगा वार, ठीक है. उसके बाद आए आपके बृहद्रथ. बृहद्रथ कब आए थे, 232 से 185 BC तक, ठीक है, ये है 185 BC तक. इसका मतलब बृहद्रथ हमारे जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, बृहद्रथ, ये याद कर लीजिए कि मौर्य का, इसका मतलब जो मौर्यन काल का जो लास्ट रूलर था वो बृहद्रथ था. वो कब बने थे, 180 आपका जो पीरियड था वो था अशोका के बाद जो आए थे. तो 232 से 185 के बीच में कौन थे, बृहद्रथ. बृहद्रथ को हरा कर किस, कौन उसके उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, तो हम अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है, पांड्यास, सुंगास, कुशानास और सातवनास. तो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपने दिए, तो अब देख लीजिए, कुशानास जो थे वो 1 to 3 सेंचुरी में आ गए थे, AD में आ गए थे,
और इनके जो रूलर थे वो थे कनिष्क, ठीक है, और इसमें विक्रम संवत ईरा भी शुरू हो गया था, तो कनिष्क, और इसमें आपकी आई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, राइट, ये थे। सातवनास जो थे वो कब आए थे, 60 से लेकर 37 बीसी तक, ठीक है, और इसका रूलर कौन था, सिमुका वन, लेकिन जो इसका लास्ट रूलर था वो कौन था, पुलवामी, पुलवामी थर्ड, ठीक है, लास्ट रूलर कौन था, ये, और इनको मारा किसने था, इक्ष्वाकूज ने, इक्ष्वाकूज ये इनको खत्म करने वाले थे, मतलब सातवनास का एम्पायर किसने खत्म किया था, इक्ष्वाकूज ने, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो आपकी खत्म होगी, पांड्यास भी नहीं है, ठीक है, तो आपके पास क्या बचे, सुंगास, तो यानी शुंग डायनेस्टी जो थी, इट्स द राइट आंसर। तो ये क्या आई थी आपकी 185 से 173 बीसी तक चली थी, और इसके रूलर कौन थे, पुष्यमित्रा सुंगा, ठीक है। एक और चीज लिख देती हूँ, जो इसका लास्ट रूलर था वो कौन था आपका, देवभूति, मैं यहां लिख रही हूं देवभूति, ठीक है, जिसको किसने मारा था, कनव ने, कनव डायनेस्टी जो आई थी 73 बीसी में, और किसने मारा था इसको, वासुदेवा ने। तो ये चीजें आप क्लियर कर लो, इसमें मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दिए हैं। आई होप कि कई बच्चे कह रहे हैं मैम एक्सप्लेनेशंस दो, कई बोल रहे हैं आपकी जो वीडियो है वो बहुत लंबी है, मैं अपनी तरफ से वीडियोस इसलिए लंबी कर रही हूँ कि आपको एक एक फैक्ट इसके साथ मिल जाए, तो आपको आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें थी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द 8th सेंचुरी ट्राईपार्टिट पावर स्ट्रगल वॉज अमंग विच ऑफ द फ्रेंड, जो त्रिपिटक शक्ति थी, संघर्ष था त्रिपिटक, वो किसके बीच हुआ था, ऑप्शंस है पालास, गुर्जर्स, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटा या राष्ट्रकूट, पालास चोला पल्लवास, चालुक्य चोला पांड्यास, गुज्जर पांड्यास या पालास। तो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, स्टॉप, इट्स द पालास। पहली चीज, ट्रिपिटिक स्ट्रगल किसका था, टू अटेन कनौज, कनौज को लेना था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ये सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं ना कंट्री या पूरी सबसे बड़ी पावरफुल रीजन जो था वो कनौज था, हर कोई कनौज को हथियाना चाहता था, तो उस बीच में ये स्ट्रगल हुआ था, किसके बीच हुआ था, पालास, गुर्जर और राष्ट्रकूट। पालास का जो पीरियड था वो था आपका 750 से 1136 तक, ठीक है, ये किसका था आपका, पालास का, और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, गोपाला और आपका जो था धर्मपाला जो था वो इसका मेजर स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, स्ट्रॉन्ग रूलर था, ठीक है। जो आपके गुर्जर्स थे, गुर्जर्स वो कहाँ के थे, गुजरात के थे, गुजरात से आए थे, इसलिए इनका नाम जो है गुजरात से आया था, और ये 730 से 1036, मे बी डेट्स का ऊपर नीचे हो सकता है, पर 730 से 103 ये थे, और इसमें जो थे भोज और मिहिर भोज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, मिहिर भोजा, ठीक है। नेक्स्ट आपके कौन है, ये पालास, और ये आपका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटा या राष्ट्रकूट। तो ये क्या थे, ये कब आए थे आपके, ये बने थे आपके 750 से, आई थिंक राष्ट्रकूट, मैं एक मिनट बता देती हूँ आपको, सेवन फिफ्टी टू से 973 तक, ठीक है, एडी है, ये सारे एडी में आएंगे। उसमें था दंती दुर्ग इज द फाउंडर, दंती दुर्ग
लेकिन जो इसके स्ट्रॉन्गेस्ट थे आपके गोविंदा 3, गोविंदा, ठीक है, और अमोघ वर्षा। एक और चीज बता दूं, जो आपकी एलोरा में एक गुफा बनी है, शिव की गुफा, वो किसने बनाई थी? इसी राष्ट्रकूट के जो रूलर थे कृष्णा, उन्होंने बनाई थी वो वाली टेंपल एलोरा में। तो ये चीज आपको, मैंने इसके साथ पॉइंट्स देख लिए, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? पालास एंड गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, हरिहरा राय 1 हु रूल्ड विजयनगर एम्पायर फॉर द पीरियड 1336 टू 1356 बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? ठीक है, हिंदी में देखते हैं, आपका 1336 से लेकर 1356 एडी की अवधि में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला हरिहर राय किस वंश का था? ऑप्शंस हैं संगम डायनेस्टी, सुल्लव डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी या अरविडो डायनेस्टी। तो कौन से वंश के थे स्टूडेंट्स? राइट ऑप्शन इज, देखो अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी डायनेस्टीज हैं वो संगम डायनेस्टी शुरू होती है 13 से लेकर 485 एडी तक, और कौन थे इसके? हरिहर और बुक्का, ठीक है, ये थे। इससे एक्स्ट्रा क्या, कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो थी, ये थी आपकी 1485 से लेकर 1505 एडी तक थी, और इसके जो थे वो थे आपके सुल्लव नरसिम्हा, ठीक है। तुल्लव डायनेस्टी जो थी वो 1505 से लेकर 1570 एडी तक थी, और इसके कौन थे? वीर नरसिम्हा, ठीक है। और लास्ट जो थी 1570 से लेकर 1650 तक आपकी कौन सी डायनेस्टी आई है? अरविंदो, और इसके कौन थे? तिरुमला फाउंडर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा? देखो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि 1485 से 1505 तक कौन सी डायनेस्टी थी? सुल्लव। 1505 से 1570 तक वीर नरसिम्हा ने कौन सी डायनेस्टी की? तुल्लव डायनेस्टी। तिरुमला ने कौन सी डायनेस्टी की? अरविंदा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है कि वो किस डायनेस्टी के पीरियड, देख लो 1336 से 1485 तक कौन सी डायनेस्टी थी? संगम डायनेस्टी, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू, जो आपका चोल साम्राज्य था वो कितनी किस में विभाजित था? मंडलम्स, नाडू, कुर्रम, वलनंडू। मंडलम्स, नाडू, मलखंद, अवंती। मंडलम्स, भूमि, अवंती, वलनाडू, या मंडलम्स, नाडू, कुर्रम या मलखंद। तो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन इज टॉप ए, मंडलम्स, नाडू, कुर्रम एंड वलनंडू। इनका मतलब देख लो, एम से यहां लिख रही हूं, मंडलम का मतलब है प्रोविंस, ठीक है, आपका वलनंडू का मतलब है कमिश्नरी, राइट, नाडू का मतलब आ गया डिस्ट्रिक्ट, और आपका लास्ट है कुर्रम, कुर्रम इज स्मॉल विलेजेस। तो आप एक चीज नोटिस कर लीजिए कि मंडलम को क्या बोला जाता है? प्रोविंस। वलनाडु इज कमिश्नरी, नाडू इज डिस्ट्रिक्ट, और कुर्रम का मतलब है विलेजेस। तो चोला एम्पायर जो है प्रोविंस, कमिश्नरी, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में बंटा हुआ था। कई बार आपको ऐसे नाम दे दिए जाएंगे। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद्स आर, या उपनिषद पुस्तकें हैं किस चीज की? पॉलिटिक्स की है, फिलॉसफी की है, मेडिसिन की है, या सोशल लाइफ की है? तो किसकी है स्टूडेंट्स? द राइट ऑप्शन इज, प्लीज जो भी आपके आंसर्स हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज बी, फिलॉसफी।
ठीक है, पहली चीज उपनिषद हैं कितने, देयर आर 108 उपनिषद, पहला। इनको वेदांता भी बोला जाता है। थर्ड, इसमें जो है ये एंड ऑफ वेदास आते हैं, एंड ऑफ वेदास। और लास्ट पॉइंट हम इसका जो वृद्ध अरण्य का ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कितने उपनिषद होते हैं, 108। इनको वेदांता भी बोला जाता है। कब बोले जाते हैं, वेदास के एंड में। और वृद्ध अरण्य जो है वो सबसे पुराना उपनिषद है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर्शिप ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन सा जो है आपका कौन से देवता को पूजा जाता था, वरुण, इंद्रा, सूर्य या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, स्टॉप, द राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है, हु वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, मतलब उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। ऑप्शंस आपके पास है, हर्षा, पुलकेशन टू, राज्यवर्धना या स्कंदगुप्त। आपके पास चॉइसेस दी गई हैं स्टूडेंट्स, मार्क द आंसर। नाउ द लास्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स, देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहले हम तीनों को देख लेते हैं। जो पुलकेशन था वो तो चालुक्य किंग था, चालुक्य ऑफ वातपी था, ठीक है। कब से कब तक, 69 से लेकर 642 तक, राइट। और एक चीज, पुलकेशन वन ने किसको डिफीट किया था, हर्षा को, डिफीटेड हर्षा, ये याद रख लो। राज्यवर्धना इज द ब्रदर ऑफ हर्षा, पहली चीज ये याद रख लीजिए। इसका पीरियड जो था वो था 605 से 606 तक। इसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इसने अपनी बहन को आजाद करवाने के लिए देवगुप्त के साथ लड़ाई की, बट डिफीटेड बाय शशांक डायनेस्टी रूलर, ठीक है। उसके बाद स्कंदगुप्त जो था ये था लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एरा, कब से, 445 से लेकर 467 तक, और इसको हराया था हूंस ने, ह्यून जो आए थे। तो ये आपके ऑप्शंस जो हैं ये तीनों गलत हैं। तो लास्ट ऑप्शन इज हर्षा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर क्यों था, इसका पीरियड था 606 से लेकर 627 तक, ठीक है। हर्षा का जो पीरियड था वो था आपका 606 से लेकर आपका 627 तक, सॉरी 647 तक, ये पीरियड था। तो इसमें आपने देखा कि जो आपका हर्षा था इसको डिफीट किया था पुलकेशिन ने। हर्षा को स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके पीरियड में आपका जो है कुंभ चला था, और कुंभ पीरियड चला था। दूसरा इसका जो था, इसने इसमें बुद्धिस्ट ह्यूनसांग भी इस पीरियड में आया था, और इसने बहुत डिप्लोमेटिक एक काम किया था कि अपनी बेटी की शादी ध्रुव सेन के साथ करवा दी थी। पहले ध्रुव सेन को डिफीट किया, उसके बाद अपनी बेटी की शादी ध्रुव सेना से करवा दी ताकि जो वेस्टर्न अलायंस है वो उसको डिस्टर्ब ना कर सके। तो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हर्षा, ठीक है। और हर्षा का जो है इसको वर्धना डायनेस्टी भी बोलते, जो आपकी जिसका पीरियड जो है वो हर्षा के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यभट्ट बिलीव टू हैव बीन बीन बॉर्न इन 5th century AD एंड मोस्ट रिनाउंड स्कॉलर ऑफ, किस चीज के थे। आर्यभट्ट का जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ था, जो सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे, किसके थे, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मेडिसिन या फिजियोलॉजी। द राइट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स, स्टॉप, ए, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं. आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज बिलीव टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ. आपने सुना होगा कि दिल्ली में एक आयरन पिलर है जो आज तक जिसको जंग नहीं लगा है, ये सुना है. तो वो किसने बनाया था, किसके शासनकाल में बना था? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्ता टू? नाउ स्टॉप. द राइट ऑप्शन इज अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य. ये तो मौर्यन डायनेस्टी के थे, ठीक है. और मैंने अभी आपको पीछे बताई कि मौर्यन डायनेस्टी का कब शुरू हुई थी आपकी, 322 से 185 BC तक थी, ठीक है. उस टाइम पे ये नहीं बना था. आपका जो है आयरन पिलर किस पीरियड में बना है, वो पढ़ना है आपका गुप्ता पीरियड में, जिसको गोल्डन ईरा भी बोला जाता है, क्लासिकल पीरियड भी बोला जाता है. ये शुरू हुआ था 319 से लेकर आपका 540 AD के बीच में. और इसके जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त वन, जिसमें फेमस था कि इसने अपने पे महाराजा धीराज की उपाधि ले ली थी. तो ये भी पूछा जाता है कौन से ऐसे राजा थे जिसने अपनी महाराजा धीराज की जो है उपाधि ली थी, ऐसा कौन सा सम्राट, तो वो है गुप्ता पीरियड. समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन. किसने कहा था, V.A. Smith ने, ठीक है. इसका पीरियड आता है 335 से 380 तक. अब जो चंद्रगुप्त थे ये क्या थे, चंद्रगुप्त का पीरियड आता है 380 से लेकर आपका 414 AD तक. और इसके टाइम पे बना था आपका आयरन पिलर, डी इज द राइट ऑप्शन. और चंद्रगुप्त जो टू थे इनके टाइम पे आपका आयरन पिलर भी जो है वो बना था. और कब बना था, 380 से 414 ईस्वी तक, मतलब जो भी है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट, सिकंदर महान का समकालीन उस टाइम पे कौन था? बिंबिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड पुष्यमित्र संघ, लास्ट ऑप्शन इज. मतलब सिकंदर को हराकर, जो सिकंदर थे उनको हरा, सिकंदर का जो पीरियड खत्म हुआ था उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? देखो जो आपका बिंबिसारा, अशोका, चंद्र, ये तो है मौर्यन काल के, अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं. तो ये कब से शुरू हुआ था, 322 से लेकर आपका 185 तक. पुष्यमित्र या संगा जो आया था ये आया था आपका इस पे. अरे आपको पता है कि पुष्यमित्रा ने किसको हराया था, वो हराया था बृहद्रथ को, ठीक है. किसका था ये, मौर्यन का लास्ट रूलर, मौर्यन्स लास्ट रूलर. इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, अलेक्जेंडर ग्रेट जो था वो 326 के आसपास आया था. तो 326 के आसपास जब आए थे तो इसका पीरियड सम का, इसको हराने के बाद. अब आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने क्या किया था, नंद डायनेस्टी के जो धनानंद थे उनको हराया था. तो समकालीन उस टाइम पे जो थे वो कौन थे, बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, कि पहला गुप्ता रूलर कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त. तो अब इनके पीरियड्स देखिए, ये जो है इनका टाइम जो था ये था 319 से आपका 335 तक AD. ये आपके आए चंद्रगुप्त टू, ये आपके आए थे 380 से 414 से लेकर ये आए थे 445 तक, ठीक है, 455 तक. और 455 से 4 आपके 467 तक आपके कौन रहे हैं, स्कंदगुप्त. इट मींस जो आपके सबसे, हु इज द फाउंडर ऑफ
चंद्रगुप्त वन इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर. तो किसने ली थी चंद्रगुप्त महाराजा धीराज की, वो थे चंद्रगुप्त वन. नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरनर्स फर्स्ट वॉज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया, इनमें से पहला कौन था जिसने इंडिया पे विजिट की थी फॉरनर. ह्यूनसांग, मैगस्थनीथीस, आपका आईचिंग या फहाना फहायान. राइट ऑप्शन इज स्टॉप. द राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ह्यूनसांग कब आया था, हर्षा के पीरियड में आए थे. फहान जो आया था वो मौर्यंस के पीरियड. इसका मतलब जो आपके मैगानथीस थे ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो था ग्रीक वो था, और ये सेल्यूकस निकेटर का एक कमांडर था जिस जो कहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्यन के पीरियड में आया था. और आपको पता होना चाहिए कि जो मैगानथीस है इसने क्या किया था, इसने इंडिका बुक लिखी है. ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा इज द जेस्चर ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड हिज फर्स्ट सर्मन. बुद्धा ने पहला सर्मन कहाँ दिया था, वो दिया था सारनाथ में. ये पता होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था. उसमें कौन सी मुद्रा ली थी, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा या भूमि स्पर्श मुद्रा. राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, नाउ सी द राइट ऑप्शन इज धर्म चक्र मुद्रा, यानी धर्म चक्र व्हील. जो भूमि स्पर्श मुद्रा होती है ऐसी मुद्रा जिसमें आपको अर्थ को टच करना होता है. अभय मुद्रा जो होती है इट्स द मुद्रा ऑफ फियरलेस, जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस, पीस, शांति. और ध्यान मतलब योग करना. तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बची सी. नेक्स्ट, द वेदा दैट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टुवर्ड्स द ऑफ इवल्स, जो वेद हमारे बुरी शक्तियों से बचाते हैं. तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद. स्टॉप. द राइट आंसर इज अथर्ववेद, ये बचाता है. क्यों, ऋग्वेद जो है इज द आपका जो है ऋग्वेद ओल्ड वेद है, ये तो हो ही नहीं सकता, ओल्ड वेद है, ओल्ड वेदाज है. और इसी वेद के अंदर आपको क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रास, ठीक है, क्षत्र और दस्यु, दस्यु इन पे डिवाइड किया गया है. अथर्ववेद जो है वो आपको बुरी शक्तियों से बचाता है, यानी बीमारियों से बचाता है. ये जो है ये म्यूजिक का है, ठीक है. इसके अंदर कितने हाइम्स हैं, 14, जिसमें से 75 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो ऋग्वेद से लिए गए. इसको उच्चारण कैसे करते हैं, उद्गात्री से करते हैं, ठीक है. यजुर्वेद धनुर, जिसको आप सेक्रीफाइस भी बोलते हो, कृष्ण एंड शुक्ल. तो इसका मतलब आपकी राइट ऑप्शन क्या आ गई, अथर्ववेद. नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडल वना या राजगृह. राइट ऑप्शन इज स्टॉप. जो राइट ऑप्शन है, चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, सबसे पहली हुई थी राजगृह में, ठीक है. तो ये नहीं हो सकती. कब हुई थी, 483 BC में. किस डायनेस्टी में हुई थी, हिरण्यक डायनेस्टी, ठीक है. किसने करवाई थी, अजात शत्रु ने करवाई थी, और कहाँ हुई थी, राजगृह में. तो पहली होगी. वैशाली जो थी वो 383 BC में हुई थी, सेकंड, ठीक है. कहाँ, किसने करवाई थी, शिशुनाग डायनेस्टी ने, राइट. पाटलिपुत्र जो है वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 250 के पास. और किसने, किसकी डायनेस्टी में हुई थी, अशोका. और जो उसका चेयरमैन था वो मोगली पुत्र तीसा थे. तो ये भी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी कट और ये भी कट. कुंडलवना जो कि कश्मीर में है, किसकी डायनेस्टी में हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया, कनिष्क, ठीक है. कनिष्क में हुई थी, कब हुई थी, 98 AD में. और इसके जो थे वसुमित्र चेयरमैन थे, ठीक है. तो इसका मतलब आपका सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा,
स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके 16 क्वेश्चंस जो थे वो हिस्ट्री से रिलेटेड थे। आई होप कि इसमें कोई आपको डाउट ना हो, और जितने भी मैंने आपको इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं, प्लीज़ उनको आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए डेट्स, और क्योंकि वो डेट्स कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ आपको डिफरेंट लिंक्स मिल रहे हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो ठीक लगे। आपका जो भी क्वेश्चन या डाउट है वो प्लीज़ आप अपने जो है कमेंट्स जो हैं वो नीचे लिखिए। और कई कमेंट्स जो हैं मैंने देखे हैं, कईयों ने मुझे मेरी गलतियां भी बताई हैं। थैंक यू कि आप मुझे कोई ना कोई आपको अगर मिस्टेक दिख रही है तो आप मुझे ओवरकम कर रहे हो। तो कई बार हम भी इतने परफेक्ट, या आप बोलो कि हमसे मिस्टेक्स नहीं होगी, कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो थैंक यू कि आप इस हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हो और हमारे चैनल को देख रहे हो। अब हम कर रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपके दादा साहेब फाल्के और पुलिट्ज़र अवार्ड, ठीक है, कब दिया जाता है और किसको दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो फिल्म में दिया जाता है, ठीक है। कब शुरू हुआ था? 1969 में। इस बार जो दिया जा रहा है या दिया गया है, अमिताभ बच्चन, ठीक है, बच्चन। नेक्स्ट पुलिट्ज़र अवार्ड जो है वो जर्नलिज्म में दिया जाता है, जर्नलिज्म मैगजीन्स उनको। कब शुरू हुआ था? 1917 में। इस बार जो दिया गया है उसका नाम मैं आपको बता रही हूँ, फिल्म फिक्शन जो अभी का है, फिक्शन में दिया गया है ओवर स्टोरी, रिचर्ड पावरी को, रिचर्ड पावरी, ठीक है, नाम एक बार, रिचर्ड पावरी, ठीक है। या बायोग्राफी में है तो आपका है इसका न्यू नेग्रो लाइफ ऑफ एलन हॉक्स बाय जेफरी स्टीवर्ट। दादा साहिब बता दिया, CFRI, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? देहरादून। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO एंटोनियो गाइटर, कोई इसको गाइटर बोलता है, कोई गटर बोलता है, गाइटर, ठीक है। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय सी फ्लाई, ठीक है, यानी लिशमानिया ट्राइपनसोमा, सॉरी, ये है आपका सी फ्लाई, यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्राइपनसोमा गैम्बीज, ठीक है, ये है इसकी स्पीसीज, इसको कट कर लो। नेक्स्ट, कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप है बेल्जियम। फाउंडर ऑफ अभिनव भारत, वीडी सावरकर। नेक्स्ट, पॉलिनेशन ऑफ विंड को क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। और ये किस में होती है स्टूडेंट्स? ये होती है ग्रासेस, आपके छोटे छोटे जितने भी फ्लावर्स होते हैं, जो विंड के द्वारा होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट है। चंपारण जो है वो 1917 में शुरू हुआ था, ठीक है, और किसने शुरू किया था? गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह, ठीक है। टू वॉयलेट इंडिगो, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिगो, यानी नील खेती, ठीक है, नील खेती को रोकने के लिए
जो है चंपारण कहाँ पे, बिहार पे, 1917 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो कई बार ये भी पूछा सकते हैं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था, वो था चंपारण। कब शुरू हुआ? 1970 में। क्यों था? कि वहाँ पे लोगों को जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्ला खान इज रिलेटेड टू शहनाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस वेयर मैक्सिमम एप्पल प्रोडक्शन, तो वो है शिमला, ठीक है। ज्वालामुखी ट्रीटी जो थी वो कांगड़ा और लंबर गांव, ये है। इसमें क्या था कि जो राजा थे संसार चंद, वो उनको जो है उन्होंने रंजीत सिंह से हेल्प मांगी थी और कहा था कि अगर वो उनको फ्री कर देते हैं तो उसके बाद जो है अगर वो उनको छुड़वा लेंगे तो उनको जो है जागीर दी जाएगी। तो ये क्या था, इट्स द ट्रीटी ऑफ 1809 में हुई थी। किंग ऑफ कांगड़ा, ठीक है, और अगर देखा जाए तो रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह के बीच में हुई थी टू गिव जागीर। मतलब अगर उन्होंने उनको छुड़वा लिया तो फिर वो रंजीत सिंह को जो है अपना मैक्सिमम पार्ट जो है वो दे देंगे। दैट इज कॉल्ड ज्वालामुखी ट्रीटी। फूड पार्क, फर्स्ट मेगा फूड पार्क जो है वो ऊना में बना है, क्रेमिका फूड पार्क, और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? हरसिमरत कौर ने, एंड शी इज द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। नेक्स्ट, साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। इसमें लाला लाजपत राय को जो था लाठीचार्ज हुआ था एंड किल, एंड 1928 में भगत सिंह ने जो है सॉन्डर को किल किया था। और ये जो साइमन कमीशन था, इसमें जो है ये कमीशन जो था ये सारे वाइट पीपल्स थे, तो इंडिया वालों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और उसमें नारा दिया था गो बैक साइमन। नाउ सरदार सरोवर डैम किस पे बना है? नर्मदा में, और कहाँ पे है? गुजरात में। क्वाशियारकर जो है वो होती है लैक ऑफ प्रोटीन्स की वजह से, एंड इसमें जो होता है फेस डिसकलरेशन, वीकनेस वगैरह, ये एक माल न्यूट्रिशन डिजीज है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट के लिए, सिर्फ 5। न्यूज एजेंसीज ऑफ चाइना, नेशनल एम्बलम ऑफ जापान क्या है, 49 पार्लर क्या है, इट्स अ बाउंड्री लाइन किसके बीच में है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, ऑथर ऑफ हिमालयन आर्ट कौन है, और फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन कौन है, यानी जैनिज्म का पहला तीर्थंकर कौन था। दीज आर द रिगार्ड्स टू रिस्पोंडेंट्स, मतलब जिन्होंने मुझे आंसर्स दिए हैं, और जिन्होंने स्पेशली थैंक्स टू जिन्होंने मेरी गलतियों को या जो मिस्टेक्स थी उनको बताया था। पहली मिस्टेक आपने मुझे बताई कि मर्करी इज नॉट ए हॉटेस्ट प्लानट, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लानट, थैंक यू सो मच। थर्ड आपने मुझे बताया कि एक क्वेश्चन था लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए तो नील है, लेकिन अगर लार्जेस्ट रिवर अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तब अमेजोन है, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बाकी एक और क्वेश्चन था जिस पे आपने 34 बेंचेस, पहले 31 थे अब हो गए 34 जजेस रिसेंटली हुए हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन था रेपो रेट, जिस पे मैंने आपको बोला था जो रेपो रेट थी इंडिया की वो थी 5.75, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था 35 पॉइंट्स नीचे गई है, यानी ये 5.35 या 5.40 के आसपास पहुंची है। तो ये है आपकी रेपो, और जो रिवाइज रेपो रेट है वो है 5.15। तो आपको ये डाउट्स जो हैं वो मैंने आपके क्लियर कर दिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके लिए थैंक यू। शुभम संभ्या, ज्योति चौधरी, जनक राज, सचिन चौधरी, नम्रता राणा, नरेंद्र भारती, मोहन पांडे एंड प्रियंका ठाकुर। नरेंद्र भारती जी, आपने मुझे कहा था कि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, और दूसरा आपने किसी चीज़ के लिए मेरे को करेक्ट भी किया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड
एक और चीज़, आज आपके लिए ये आंसर कीज़ भी हैं। हमारे लेक्चर्स में हमने आपको आंसर कीज़ भी दे दिए हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, बी का ऑप्शन, ये सारी आपके पास आंसर कीज़ हैं। आप अपनी, कई बार हमने बोलने में अगर गलती की है तो आपके पास आंसर कीज़ में आपको सारे रिस्पॉन्ड मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो थे हिस्ट्री के क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज थे। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो कंफर्टेबल लगा होगा और जो भी डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दिए। एंड अगेन थैंक यू जिन्होंने हमारी गलतियों को ओवरकम किया, और इसका मतलब आप हमारे सबसे अच्छे वेलविशर्स हो जो हमारे चैनल को अच्छे से अच्छा चाहते हो। थैंक यू सो मच।